थैंक यू। आपकी जर्नी के बारे में बताइए कि कैसे शुरुआत की आपने ये जर्नी और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही की? हाँ, हम लोगों ने ये काम जो है आज से 10 से 12 साल पहले शुरू किया था, जिसमें हमने सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग ही स्टार्ट किया था और उसके बाद हम अपना ब्रांड प्रमोट कर रहे थे बाज़ार के अंदर। फिर सडनली हमें रियलाइज़ हुआ कि हम मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग दोनों साथ में नहीं कर सकते, तो हम मूव हो गए मैन्युफैक्चरिंग की तरफ और आज हम फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है फॉर OEM एंड ODM। और आप सिर्फ B2B में, B2C में क्यों नहीं? B2B में होने की वजह है कि हम कोर मैन्युफैक्चरर हैं और ये प्लेटफॉर्म जहाँ पर हम लगा रहे हैं ये भी प्लेटफॉर्म B2B के लिए ही है, B2C के लिए नहीं है। तो हमारा फोकस हमेशा बिजनेस टू बिजनेस करने का है, हम रिटेल सेक्टर में नहीं जाना चाहते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ की बात करें तो बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में यहाँ पर जो है बहुत सारे कस्टमर्स भी आएंगे, तो यहाँ पर एग्जीबिशन लेने का डिसीजन क्यों? क्योंकि आप B2B में यहाँ पर बहुत सारे कस्टमर्स भी आएंगे जिसकी वजह से मे भी हो सकता है आपका टाइम वेस्ट करें। नहीं, टाइम वेस्ट नहीं है, कंपनी का ऑफिशियल ब्रांड भी है, प्लेटफॉर्म प्लस इंडस्ट्रीज़ का अपना ब्रांड है डियोनेक्स प्लेटफॉर्म, उसमें भी हम कंपनी का 5 से 10% बिजनेस करते हैं। तो जो जुड़ना चाहता है डिस्ट्रीब्यूटर वो जुड़ सकता है, बट कंपनी का मेन एम है OEM और ODM। सर, आपकी कंपनी की जो लोकेशन है वो कहाँ कहाँ लोकेटेड है पूरे इंडिया में? एक्चुअली वी आर मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड कंपनी, तो हम सिर्फ दिल्ली में ही बेस्ड हैं, हमारे दिल्ली में छोटे छोटे प्लांट हैं जो कि हम, जैसे बताया है अभी आपको कि हम लोग क्या है कि मेन पार्ट खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं, लाइक बॉडी मोटर क्वालिटी कंसिस्टेंसी के लिए हम मेन पार्ट खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं, तो हमारा अभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सिर्फ दिल्ली बेस्ड है। सर, इसके अलावा बहुत सारे बिजनेसमैन आपको देख रहे होंगे, उनके लिए क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? उनके लिए बस मेरा मैसेज यही है कि हम उनके साथ जुड़ना चाहते हैं और हम क्या चीपेस्ट प्राइस में बेस्ट क्वालिटी डिलीवर करने का प्रॉमिस करते हैं अगर कोई हमारे से जुड़ना चाहता है। और कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? क्या क्या कांटेक्ट करने के लिए आप अपनी वीडियो में डाल सकते हो नीचे कांटेक्ट डिस्क्रिप्शन, वो वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर अगर कोई आपका हैंडल है या फिर यहाँ से कोई कांटेक्ट कर सकते हैं? नहीं, सोशल मीडिया में अभी तो कोई ऐसा हैंडल है नहीं, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो और ऊपर से वो फ्लैटरॉन सर्च करेंगे गूगल में तो मिल जाएगा। हम एवरी सेकेंड मंथ में कुछ ना कुछ नया मिक्सर ग्राइंडर लॉन्च करते हैं, हमारा कोर बिजनेस है मिक्सर ग्राइंडर, दूसरा मिक्सर ग्राइंडर एंड इलेक्ट्रिक आयरन, तो हम एवरी मंथ नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हम ODM में भी हैं और OEM में भी है, तो ODM अगर कोई कस्टमर करवाना चाहता है तो हम उसके बिहाफ पे भी प्रोडक्ट लॉन्च करते रहते हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट। हाँ, बिल्कुल इम्प्रूव हो रहा है, थोड़ा स्लो इम्प्रूव हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ओके, थैंक यू। सर्विस आप लोग प्रोवाइड करते हैं अगर उस बारे में? हाँ, बेसिकली वी आर बेस्ड इन मिक्सर जूसर एंड ग्राइंडर एंड ड्रायर हम लोग प्रोवाइड कराते हैं डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए एंड कमर्शियल पर्पज़ के लिए। और इसके लिए सर्विसेज में हम, हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हम कोशिश करते हैं जो मेजर इक्विपमेंट्स और चीज़ें हैं वो हम इन हाउस प्रोड्यूस करते हैं, उससे क्या सर्विसेज के अंदर में हमारे को चांसेस बढ़ जाते हैं कि, और उसके अंदर एज़ पर डेटा और एज़ पर हमारे पास मार्केट फीडबैक है कि जितने भी प्रोडक्ट हम मार्केट को प्रोवाइड करा रहे हैं वी डू हैव लेस देन 1% सर्विस इश्यूज़। उससे क्या है कि हमें अदर ब्रांड को बना के देने में OEM में प्लस में वी आर डूइंग ODM, सो ओरिजिनल जितने भी डिज़ाइन हैं वो हमारे पास इन हाउस हैं एंड इन हाउस होने की वजह से हम लोग सर्विसेज के अंदर में उनको एंड टू एंड सोल्यूशन दे सकते हैं। फ्रॉम द बिगनिंग वी आर गिविंग डिज़ाइनिंग और मोटर के अंदर कस्टमाइजेशन, बॉडी के अंदर कस्टमाइजेशन, जिस तरह का कस्टमर को डेवलप ओरिजिनल चाहिए, और वी डू हैव सो मेनी रनिंग मॉडल्स इक्विपमेंट के अंदर में, सो अलॉन्ग विद द OEM वी आर डूइंग ODM। सर, जैसे आपने सबसे बात की कि आप लोग सिर्फ दिल्ली में ऑपरेट करते हैं दिल्ली से, तो कैसे ये प्रोसेस आगे चलता है? क्योंकि पूरे इंडिया में सिर्फ दिल्ली से जो चीज़ें पहुँचाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो अगर उस बारे में कुछ बताएं हमें कि वेल वी आर बेस्ड इन दिल्ली और हम मल्टीपल प्लेसेस पर हैं दिल्ली में, वी डू हैव सो मैनी मैनुफैक्चरिंग यूनिट इन भवाना और उसके अंदर वी आर एक्चुअली बेस्ड अप टू 90% वी आर बेस्ड इन OEM और ODM,
उसके अंदर क्या है कि हम एंड टू एंड कस्टमर पे नहीं जा रहे, हम बी टू सी में नहीं इन्वॉल्व हैं, वी आर बेस्ड इन बी टू बी। तो बी टू बी में क्या होता है कि दे डू हैव ऑन नेटवर्क्स, और ऑन नेटवर्क्स में वो अपने कस्टमर्स को सर्विसेज एंड सेल्स के लिए करते हैं। दे डू हैव सम सीएनएफ पॉइंट्स एंड दे डू हैव सम वेयर हाउसेज, वी डू हैव सो मेनी वेयर हाउसेज। तो हम उनके लिए दिल्ली के अंदर ऑपरेट करते हैं, हम उनके लिए डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिटी पर्पज़ को सॉल्व करते हैं, और वो हम दिल्ली बेस ऑपरेट करते हैं। फिर उनके वेयर हाउसेज के थ्रू उनके चैनल सेल्स में हम पैन इंडिया में सर्विस देते हैं। सो अगर आप देखें तो वी आर नॉट लिमिटेड टू द इंडिया, पैन इंडिया, स्टिल वी आर डूइंग अप टू 8 countries और डिफरेंट कंट्रीज, एशिया के अंदर में हम 8 countries कर रहे हैं, और उसके अंदर में हम सर्विसेज सिर्फ दिल्ली से बैठ करके ही पैन इंडिया के साथ में 8 countries में दे रहे हैं। सर आपको चैट करना चाहेंगे okay. इसके अलावा सर फ्यूचर की स्ट्रेटजीज क्या है आप लोगों की, अगर उस बारे में कुछ बताएंगे, और कौन से नए प्रोडक्ट इसके अंदर अभी हमारे नए टूल्स आ रहे हैं जो हम कंपनी के अंदर शो करते हैं, तो उनके साथ टाई अप करके हम फ्यूचर आगे करते हैं। ODM के साथ में एज वेल हम अभी इन हाउस में काफ़ी चीज़ें ला चुके हैं, जैसे कि हमारे बॉडी हैं, मोटर्स हैं, डिज़ाइंस हैं इन हाउस, हमारे पैकेजिंग हमारे इन हाउस है, टेस्टिंग, डेवलपमेंट, R&D अलॉन्ग विद द QC वी आर डूइंग QA। क्वालिटी एश्योरेंस होने के बाद ही हम लोग डिस्पैच को करते हैं, और फ्यूचर को देखते हुए हम लोग बहुत सारी चीज़ें और भी नई डेवलप करते हैं। डिज़ाइन हाउस हमारे पास पहले बहुत छोटा था, अभी वी डू हैव सम मोर मॉडल्स, और विद दिस मार्च वी आर कमिंग विद द 24 न्यू मॉडल्स, और वो जो 24 मॉडल्स हैं इट विल गिव अ वेरी इकोनॉमिकल प्राइस टू द मार्केट, और बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है। उससे क्या है कि जितने भी रेंज के अंदर में इंटीरियर रूलर्स के अंदर कस्टमर्स हैं, स्टिल दे आर स्ट्रगलिंग विद द इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल, अगर वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और सोलर आ जाता है तो स्टिल दे आर गोइंग टू यूज इट, एंड बहुत ही इकोनॉमिक फ्रेंडली प्राइजेस होगा जो बहुत ही ईजिली मार्केट के अंदर अवेलेबल होगा। सर ऑलरेडी आपने बहुत सारी चीज़ें बता दी है, लेकिन क्या USP होगी जिससे कि बिजनेसमैन आपको कॉन्टैक्ट करें? देखिए हमारा जो बिजनेस एजेंडा है और जिसके थ्रू हम लोग मार्केट में OEM कर रहे हैं, उसके अंदर में हम चीप एंड लो क्वालिटी की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम बेस्ट के साथ में इकोनॉमिकल प्राइस देना चाह रहे हैं। उसके लिए हमारी क्वालिटी कंसर्न को रखते हुए हम ये चाहते हैं कि हमारे पास इतने यूनिट की मैन्युफैक्चरिंग हो कि जिसके तहत हमारी जो रॉक मटेरियल की कॉस्ट है और जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, इसलिए हम OEM कर रहे हैं। उसमें हमारा जब प्राइस नीचे आता है तो कस्टमर को प्राइस के साथ में क्वालिटी भी हम दे पा रहे हैं, और अलॉन्ग विद द 35 ब्रांड्स विच वी आर नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज विद हियर, तो उनको जो हम क्वांटिटी सप्लाई कर पा रहे हैं उससे हमारा रॉ मटेरियल बॉम और हमारी क्वालिटी इन्हांस हो रही है, जिससे हम प्राइस को कंट्रोल कर पा रहे हैं, और प्राइस कंट्रोल करने के साथ ही हम मार्केट को लीड कर पा रहे हैं। जब हमारे वेंडर्स हमारे पास कल विद इन 10 years रिपीटेशन में आ रहे हैं और उनके साथ में उनके मॉडल्स की क्वान्टिटी बढ़ रही है, तो हम मार्केट को गैदर कर रहे हैं। तो ये हमारा USP है कि लो कॉस्ट ना जा कर के इकोनॉमिकल कॉस्ट में, और बहुत सारे जो डिज़ाइन हैं और बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, मोटर्स के ऊपर है, टेक्निकल है, QC है, इन हाउस हमारे बॉक्सिंग, डिज़ाइनिंग, एवरीथिंग है। तो जब सॉल्यूशन एंड टू एंड सॉल्यूशन हमारे पास ही मिलेगा कस्टमर को, तो डेफिनेटली ग्लोबली हम चाहते हैं कि कस्टमर हमारे पास आए और हमारे से सॉल्यूशंस लें मार्केट से। थैंक यू। चलो थैंक यू।